हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन के बैकअप को कहाँ पे रिस्टोर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसे कैसे देख सकते हैं, या फिर आप अपने आईफोन का जो iTunes में जो बैकअप लेते हैं उसको एक्सटर्नल ड्राइव या USB ड्राइव में कैसे कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन में जाना है, फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन। फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन में हमें इंश्योर करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में जाके हमें करना है कि सो फाइल एंड फोल्डर और एक्सटेंशन को हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद अप्लाई देन ओके। अब हमें ये क्लोज कर देना है। ये ऑप्शन दूसरी जगह से भी आ सकता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। व्यू में जाके फोल्डर ऑप्शन से यहाँ से भी आप इसको हाइड, जो हाइड फोल्डर है उसको अनहाइड करना है, शो करना है। अभी हमें क्या करना है, अब हम सी ड्राइव ओपन करेंगे। सी ड्राइव में जाएंगे। मैं आपको विंडोज़ 10 में बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में कहाँ पे रिस्टोर होता है आपका iTunes का बैकअप। तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें ब्राउज़ करना है जो यूज़र की प्रोफाइल होती है। यूज़र की प्रोफाइल में हमें ब्राउज़ करना होगा। यूज़र की प्रोफाइल मतलब जो कंप्यूटर का अकाउंट नेम है। सपोज़ मेरा ये अकाउंट नेम है जो मैंने लॉगिन कर रखा है, कंप्यूटर नेम मैंने ये लॉगिन कर रखा है। अब ये जब हाइड करेंगे तो ये हाइड फोल्डर यहाँ पर दिखाएगा। इस पर डबल क्लिक करके आप अगर इसे ओपन करेंगे, ये इसको मैंने ओपन कर लिया। अब हमें देखेंगे लोकल में, अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखिए एप्पल दिखा रहा है, एप्पल एक एप्पल कंप्यूटर आ रहा है और एक आपको दिखाएगा एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट, ये हमें अपडेट होता है। तो ये प्रोफाइल में तीन ऑप्शन होता है, लोकल रोमिंग में जाएंगे, यहाँ पर दिखाएगा आपको एप्पल कंप्यूटर ओनली। तो हमें ये देखना है कि रोमिंग में जाना है। अब हम जाएंगे मोबाइल सिंक में जा कर के देखेंगे कि यहाँ पे ये बैकअप, ये देखिए यहाँ पे मेरे पांच बैकअप हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जाएंगे, देखिए हमारा ये 11 GB का ये बैकअप हमारा यहाँ पे है। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जब भी इस बैकअप को आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी करें तो आपको इस बैकअप को रीनेम नहीं करना है, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू रीस्टोर। इसे नोट कर लीजिए कि प्लीज़ इसको रिस्टोर नहीं करना है, रीनेम नहीं करना है। जिस नाम से एज इट इज़ इसको आप यहाँ से कहीं से कॉपी करके आप किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको रीनेम नहीं करना है। जिस नाम से है उसी नाम से इसको आपको पेस्ट करना है। सपोज़ ये देखिए मेरा बैकअप है 19/7 का, दो बैकअप है मेरा, एक 11 GB था, अभी मैं देख लेता हूँ अबाउट 11 GB। अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके एंड इस डिलीटिंग, यू कैन सी हियर, मैं इसको कॉपी रोक देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में इसका बैकअप है। तो अभी मैंने इसको जो हमारे पास में ये बैकअप था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। ये डिलीट हो गया है, ये शॉर्टकट खाली दिखा रहा है। देखिए चार बैकअप थे, मैंने एक बैकअप को डिलीट कर दिया, अभी तीन बैकअप बचा। कभी कभी होता है कि कई बार आपका आईफोन सिंक होता रहता है और स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो आप सोचते हैं कि मेरा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करके अपना जो है स्टोरेज को सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से फ़ायदा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।